नमस्कार धोनी पटेल और फाइनेंशियल हेल्पिंग हेल्प में आपका स्वागत है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टॉप 5 कंपनियां कौन सी है आज, उसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो ये कृपया करके ये वीडियो को आप आखिर तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। हम देख लेते हैं रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर तीनों साथ में। तो सबसे पहले हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS का देख लेते हैं। FY19 में 1,46,463 करोड़ से बढ़ के 1,56,949 करोड़ से बढ़ के 1,64,177 करोड़। अब नेट प्रॉफिट 31,472 करोड़ से बढ़ के 32,340 करोड़ से बढ़ के 32,430 करोड़। अब अर्निंग पर शेयर 83.05 रुपीज से बढ़ के 86.19 रुपीज से बढ़ के 86.71 रुपीज। अब इन्फोसिस का हम देख लेते हैं 82,675 करोड़ से बढ़ के 90,791 करोड़ से बढ़ के 1,472 करोड़ हो गया था। अब नेट प्रॉफिट 15,404 करोड़ से बढ़ के 16,594 करोड़ से बढ़ के 19,351 करोड़। अब अर्निंग पर शेयर 35.38 रुपीज से बढ़ के 38.91 रुपीज से बढ़ के 45.52 रुपीज। अब विप्रो की हम बात कर लेते हैं 59,018.90 करोड़ से बढ़ के 61,137.6 करोड़ से बढ़ के 61,934.9 करोड़। अब नेट प्रॉफिट 9,003.7 करोड़ से बढ़ के 9,722.3 करोड़ से बढ़ के 10,796.4 करोड़। अब अर्निंग पर शेयर 14.95 रुपीज से बढ़ के 16.63 रुपीज से बढ़ के 19.07 रुपीज। अब HCL टेक्नोलॉजी 60,427 करोड़ से बढ़ के 70,676 करोड़ से बढ़ के 75,379 करोड़। अब नेट प्रॉफिट 10,120 करोड़ से बढ़ के 11,057 करोड़ से बढ़ के 11,145 करोड़। अब अर्निंग पर शेयर 36.79 रुपीज से बढ़ के 40.75 रुपीज से बढ़ के 41.07 रुपीज। अब टेक महिंद्रा 34,742.10 करोड़ से बढ़ के 36,867.7 करोड़ से बढ़ के 37,855.1 करोड़। अब नेट प्रॉफिट 4,297.6 करोड़ से घटके 4,033 करोड़ से बढ़ के 4,428 करोड़। अब अर्निंग पर शेयर 47.72 रुपीज से घटके 45.85 रुपीज से बढ़ के 50.19 रुपीज। आइए अब हम देख लेते हैं इनका डेब्ट टू एक्विटी रेशियो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज डेब्ट फ्री कमी है, इन्फोसिस भी डेब्ट फ्री कमी है, विप्रो जो है वो 0.11 है, HCL टेक्नोलॉजी 0.06% है और टेक महिंद्रा 0.07% है। आइए अब हम देख लेते हैं इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। TCS जो है वो 35.53 गुना चल रहा है, इन्फोसिस 29.79 गुना चल रहा है, विप्रो जो है वो 26.87 गुना चल रहा है, HCL टेक्नोलॉजी जो है वो 20.6 गुना चल रहा है और टेक महिंद्रा जो है वो 19.55 गुना चल रहा है। आइए अब हम देख लेते हैं इनका प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। तो TCS जो है वो 0 है, उसके बाद में इन्फोसिस जो है वो 2.05% है, विप्रो जो है 2.10% है, उसके बाद में HCL टेक्नोलॉजी है वो 0 है और टेक महिंद्रा जो है 2.26 है। आइए अब हम देख लेते हैं मेरे रिकमेंडेशन। तो TCS अगर किसी के पास में है तो वो होल्ड है, मैं फ्रेश बाय की सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा सा महंगा लग रहा है, अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है 10% का तो आप बाय कर सकते हो। इन्फोसिस जो है ये लेवल्स पे बाय है, उसके बाद में विप्रो जो है वो भी ये लेवल्स पे बाय है, HCL टेक्नोलॉजी भी थोड़ा सा महंगा लग रहा है, अगर 15% का करेक्शन आता है तो आप बाय कर सकते हो। उसके बाद में टेक महिंद्रा जो है ये लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो। तो देखा आपने टॉप 5 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां, उसमें से कौन सा बाय है, कौन सा सेल है, कौन सा होल्ड है,
तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा। तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।